अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत विद मेट्रो, जहां आप मुझसे सीखते हैं मज़ेदार रेसिपीज शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर। और आज भी हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं, जो अक्सर आप दावतों में या शादियों में जाते हैं, कहीं अच्छे होटल में जाते हैं तो वहाँ आपको खाने को मिलती हैं या शादियों में खाने को मिलती हैं। लेकिन उससे पहले इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि आज, क्योंकि 2-3 दिन से जब मैं सामान लेने के लिए या कोई ग्रॉसरी लेने के लिए या किसी भी काम से बाहर निकल रही थी, तो मैं देख रही थी कि जिस गली के कोने में मैं जा रही हूँ वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे और बैजेस और चूड़ियाँ और डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं, बलून्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जगह जगह आपको स्टॉल्स नज़र आते हैं लगे हुए। और मेरे जो एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ भी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, और बच्चे तो इतनी खुशी खुशी सारी चीज़ें खरीद रहे होते हैं। तो फिर मैंने भी एक, ये जो आपको बैज नज़र आ रहा है, ये मैंने लिया क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा दिन है, 14 अगस्त है और आज़ादी का दिन है, तो क्यों ना इसको खुशी खुशी मनाएं। और सब मिलके मनाते हैं, और मेरे जो घर है, अपार्टमेंट है, वहाँ तो बहुत सारे घरों में गैलरी में बड़े बड़े झंडे लग चुके हैं, किसी ने वो जो उसकी फ्लैग की जो झड़ियाँ आती हैं, लड़ियाँ आती हैं, वो सजाई हुई हैं, और किसी ने जो कलर से जो मिर्चियाँ होती हैं, लाइट्स होती हैं, वो लगाई हुई हैं, वो रात में जलती हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने मुल्क की इसको सेलिब्रेट करते हैं और 14 अगस्त को, और बड़ा सुकून मिलता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, और ऐसी आज़ादी मैं समझती हूँ अपने मुल्क के अलावा कहीं नहीं है। चाहे आप कहीं भी जाके सेटल हो जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में सेटल हो जाएं, लेकिन जो आज़ादी हमें अपने मुल्क में नसीब है, जो हमें अपने मुल्क में मिली हुई है, वो कहीं भी नहीं मिल सकती। तो अल्लाह ताला हमारे जो प्यारे वतन को इसी तरह कायम व दायम रखे, दुश्मनों की नज़रों से महफूज रखे, और जो ये बीमारी है इससे भी महफूज रखे। तो चलते हैं काउंटर की तरफ, और आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट, जो आप अक्सर शादियों में खाते हैं। इसके अलावा आप जो किसी अच्छे होटल वगैरह में जाते हैं वहाँ आप खा रहे होते हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने कर दी थी स्टीम रोस्ट की, किस तरह बनेगी फिकर नहीं करें, रेसिपी में कोई प्रिपरेशन नहीं की है, सिर्फ यहाँ स्टोव पे आप कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी उसमें थोड़ा सा मैंने क्या किया था, क्योंकि हमें चिकन स्टीम करना है। तो ज़ाहिर सी बात है स्टीमर अगर आपके पास मौजूद है तो बिल्कुल आप स्टीमर में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, क्योंकि हर किसी के पास स्टीमर मौजूद नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, इस तरह का बड़ा पतीला लेना है, उसके अंदर मैं दिखा देती हूं, मैंने ये छन्नी रखी हुई है, ठीक है, छन्नी रखी, इसके नीचे पानी है, और पानी आपने इतना रखना है कि वो इस छन्नी के ऊपर ना आए, क्योंकि हमें इसके ऊपर चिकन रखनी है। और ये मैंने शो से अभी तकरीबन 5 मिनट पहले स्लो फ्लेम पे रख दिया था, ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए, और शो जब हमारा ख़त्म हो तो हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अच्छा, यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा हुआ था, वो मैंने इसलिए रखा था कि हमें सबसे पहले चिकन को इसमें फ्राई करना है कलर देने के लिए। चिकन के मैंने 4 पीसेस ले लिए थे, 2 लेग पीस आपको नज़र आ रहे होंगे, 2 जो हैं वो ब्रेस्ट पीस है, यानी पूरी मुर्गी के आप 4 टुकड़े करवा लें तो ये 4 पीस निकल आएंगे, ठीक है। अब चिकन आपने छोटे साइज की लेनी है, 1.5 से 2.25 किलो तक की चिकन हो आपकी, उसके आप 4 पीसेस करवा लें, 2 लेग पीस निकल आएंगे, 2 चेस्ट पीस निकल आएंगे, ठीक है। उसके आपने इस तरह कट्स लगवा लेने। अब इसको आपने क्या करना है, डायरेक्ट मैं इसको ऑयल में डालूंगी, और फ्लेम थोड़ा सा तेज, बल्कि फुल आपने कर देना है, ताकि इस पे अच्छा सा जो है वो कलर आ जाए। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, इन 2 पे कलर आएगा तो मैं इसको निकालूंगी, और उसके बाद बाकी जो हमारे 2 पीसेस हैं उनको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसका जो हम मैरिनेशन तैयार करेंगे, जो मसाला तैयार करेंगे, उसमें सबसे पहले यहाँ मेरे पास दही मौजूद है, ये मैंने लिया था 1 पाव से थोड़ा सा कम दही है, 1/2 पाव से ज़्यादा, 1 पाव से थोड़ा सा कम, ठीक है, ये दही इसमें चला जाएगा। साथ ही मेरे पास है यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये इसमें चला जाएगा। अच्छा,
अज्जा की क्वांटिटी जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी, जो भी मेजरमेंट है, दही कितना है, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, 2 लीमों का रस है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये इसमें चला जाएगा। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, ये इसमें चली जाएंगी। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च दोनों मिला के भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। यहाँ पे जर्दे का रंग इसमें जाएगा या रेड फूड ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो आप ले लें। हल्दी जाएगी इसमें, हल्दी पाउडर इसमें चला जाएगा। साथ ही इसमें जाएगा चाट मसाला, ये इसमें चला गया। नमक मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है, 1.5 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। और साथ ही मेरे पास ये पिसा हुआ साबुत धनिया, अच्छा इन रेसिपी कार्ड में आपको नज़र आ रहा होगा 1 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया, इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि इसमें जो है वो छींटे ना उड़ें, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया था, 1 टेबल स्पून ही जीरा था, और 8 अदद जो हैं वो काली मिर्चें थी जिनको मैंने फ्राइंग पैन में हल्का सा भून लिया था, और जब उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आपने इसको ये दरदरा सा जो है ये मसाला पीसने का जो आपका मिक्सर होता है उसमें आपने इसको कर लेना है, पीस लेना है, ठीक है। और तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है, पहले जो है वो मिक्सचर बना लें इसका जो हमें चिकन के ऊपर लगाना है। अच्छी तरह से आपने इसका जो है वो मसाले मिक्स करने दही के साथ। अच्छा, यहाँ तो मैं फ़ौरन ही स्टीम के लिए रखूँगी, आपने क्या करना है घर में इसको टाइम देना है तकरीबन 1 घंटा मैरिनेशन का। इसके अलावा स्क्रीन पे हमारा रेसिपी कार्ड भी चल रहा होता है, हमारा नंबर भी है लाइव कॉल का, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस तरह से ये मसाला मिक्स हो गया, अभी इस पे कलर आ जाएगा हल्का सा। आपने बहुत ज़्यादा इसको तेल में फ्राई नहीं करना है वरना चिकन ऊपर से क्या होगी हार्ड हो जाएगी, वो सॉफ्ट नहीं रहेगी। सिर्फ हल्का सा इस पे कलर देना है, जब इस पे कलर आ जाएगा मैं इसको निकाल लूँगी, फिर हम ये तमाम मसाला फ्राई चिकन के ऊपर लगाएंगे और फिर हम इसको स्टीम देंगे। यहाँ पर फ्राई ऑयल में डालने का मकसद जो है वो सिर्फ कलर देना है, इसको गलाना नहीं है, गलेगी ये स्टीम में ही, ठीक है, हमें सिर्फ इसमें कलर देना है। तो मैं थोड़ा सा जो है वो इसको फ्लेम स्लो करके चेक करूंगी, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि छींटे जो हैं वो आपके ऊपर ना आए, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑयल की छींटे जो हैं वो ऊपर आ रही होती हैं। ये देखें, ये इस पर हल्का सा कलर आ गया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको टर्न कर लें। और अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप बिल्कुल चारों पीसेस उसमें डाल दें, वरना आप दो दो करके इसमें डालें। ये मैंने कवर कर दिया, जब दूसरी साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा, फ्लेम मैंने तेज़ ही रखी हुई है ताकि इस पर जल्दी से कलर आ जाए, इसको बहुत ज़्यादा हमें स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे नहीं रखना है क्योंकि हमें इसे गलाना नहीं है, ठीक है। और हमारे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूँ कि आज मैं बना रही हूँ स्टीम रोस्ट चिकन, और उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने मुर्गी के 4 पीसेस करवा लिए थे, टिक्के के पीसेस जो चेस्ट पीस होते हैं 2 उसमें से निकल आते हैं, 2 लेग पीस निकल आते हैं वो करवा लेने हैं आपने, उसके बाद उस पर आपने कट लगवाने हैं। और जो हमने इसका मैरिनेशन तैयार किया उसमें दही लिया था मैंने, तकरीबन एक पाव से थोड़ा सा कम था वो लिया था मैंने, बोल में शामिल किया था, लेमन जूस था, 2 लेमन का जूस मैंने इसमें शामिल किया था, चाट मसाला इसमें शामिल किया था, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल की थी, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें गया था, इसके अलावा जर्दे का रंग आप इसमें थोड़ा सा डाल दें कलर के लिए, और साथ ही हमारे पास 1 टेबल स्पून साबुत धनिया था,
एक टेबलस्पून जीरा था, 8 से 9 अदद काली मिर्चें थी, उनको आपने फ्राइंग पैन में अच्छा सा भूनना है। और अगर एक छोटी इलायची भी आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी उसमें अच्छी खुशबू आ जाती है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा भूनना है, काला नहीं करना है। जब उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आपने क्या करना है फिर कि उसको मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर लेना है, दरदरा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा जो है वो मिक्स किया मसाले के साथ, और चाट मसाला हमने इसमें शामिल किया था। फिर हम क्या करेंगे, तमाम मसाला जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये वाले पीसेस निकाल रही हूँ, और हम अपना जो दूसरा पीसेस हैं चेस्ट पीस, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये इसमें चला गया, दोनों पीसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए, फ्लेम तेज करके इसको कवर कर दिया ताकि छींटे ना आए। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत विद मेट्रो। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हम जो थे वो चिकन को कर रहे थे फ्राई, उसको कलर देने के लिए, और यहाँ पे जो है वो चारों पीसेस पे कलर आ चुका था। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लगा रही हूँ इस पे मसाला, और मसाला लगाने के बाद हम इसको रखेंगे स्टीम करने के लिए, ठीक है। अच्छी तरह आपने मसाला जो है वो लगा देना है इसके ऊपर, और जब ये स्टीम होगी तो ये जितना मसाला है ये सारा इसके ऊपर जो है वो चिपक जाएगा, ठीक है। ये जो कट्स लगाएं, ये इसीलिए लगाए हैं ताकि मसाला जो है तमाम इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर तक जो है वो रच बस जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो ये दूसरे पीसेस हैं इसको भी मैं मसाला लगाऊंगी, और ये जितना मसाला है सारा मैं इसके ऊपर जो है वो पोर कर दूंगी, और फिर हाथ से मैं इसे अच्छा सा मिक्स करूंगी। ऐसी चीज़ें हाथ से बहुत अच्छी मैरिनेट होती हैं, मिक्स होती हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि हाथ से ही इसकी मिक्सिंग करें, और ये अच्छी तरह आपने हाथ से इसकी मिक्सिंग करनी है, सब तरफ इसको लगा देना है। और रेसिपी मैं दोबारा से रीकैप भी कर देती हूँ कि हमने क्या क्या मसालों में शामिल किया है और किस तरह स्टीम करना है इसको, वो भी मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ। बस ये करने के बाद हम इसको रखेंगे स्टीम करने के लिए, और जब तक हमारा शो का टाइम जो है वो ख़त्म होगा उस वक्त तक जो है ये हमारी चिकन अच्छी सी जो है वो स्टीम हो जाएगी। ये देखिए, अच्छी तरह ये मसाला लगाने के बाद यहाँ जो मैंने ये स्टीम पानी बॉईल हो रहा है और स्टीम हो रहा है, तो इसमें हम इसको जो हमारे चिकन के पीसेस हैं मैं इसको रखूँगी। मैं देखती हूँ इसमें कितने आ सकते हैं तो मैं उतने ही शामिल करूँगी, और जो मसाला हमारा प्लेट में है उसको भी आपने जो है वो इसमें, तीन पीसेस आएंगे तो मैं तीन ही रखूंगी इसमें, और मसाले को एक को जो है वो हम बाद में रख देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऊपर ऊपर भी आपने इसके मसाला जो है वो अच्छी तरह लगा देना है, ठीक है। ये लग गया, इधर इस तरफ लग गया, अच्छा। बहुत सारे लोग मटन भी जो है वो स्टीम रोस्ट करना चाहते हैं, तो मटन को भी आपने उसमें क्या होता है, चिकन तो हमने फ्राई की है कलर देने के लिए, मटन को आपने क्या करना है, बॉईल कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि मटन आपको पता है कि वैसे ही घंटा डेढ़ घंटा लेता है गलने के लिए, तो आपने उसको जो है वो बॉईल करना है, उसके बाद आप ये मसाला उस पर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो पे रखी, हाथ में अपने थोड़े से साफ करूँगी, ताकि आप लोग भी जब इस तरह के काम करें तो अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करके फिर किचन में जाएं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही कोविड जो है वो आजकल इतना ज़्यादा है, और
जब भी किचन में जाएं, बाहर से कोई सामान लेकर आएं, तो ज़रूर हाथों को वॉश करें, सैनिटाइज करें, उसके बाद आप किचन में दाखिल हों। तो यहाँ पे हमारी जो चिकन थी वो मैंने स्टीम करने के लिए रख दी है। चीज़ों को साइड पे करूँगी, रेसिपी दोबारा से रीकैप भी कर दूँगी ताकि वो हमारे व्यूवर्स जिनसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो नोट डाउन कर लें। जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह कोई भी अगर आप लोगों से मिस हो जाता है तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लें और आपको समझ में भी आ जाए रेसिपी। आज मैंने बनाई है चिकन स्टीम रोस्ट, और चिकन स्टीम रोस्ट के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक मुर्गी ली थी 1.5-2 किलो तक की, उसके मैंने 4 पीसेस करवा लिए थे। उसमें से आपको 2 लेग पीस निकल आएंगे टिक्के के, आपने टिक्के के पीस बनवाने हैं, ठीक है। 2 आपके लेग पीस निकल आएंगे, 2 चेस्ट पीस निकल आएंगे, उन पे सब पे आपने कट्स लगवा लेने हैं जिस तरह टिक्के पे कट्स लगे हुए होते हैं। फिर आपने क्या करना है, उसका जो मैरिनेशन है वो बनाना है। आपने मैरिनेशन के लिए दही लेना है 1 पाव से थोड़ा सा, 2-3 टेबल स्पून कम ले लें, ठीक है, वो हमने लेना है। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, इसके अलावा चाट मसाला मैंने उसमें शामिल किया था, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल की थी, आप चाहें तो मैंने 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, आप चाहें तो आप 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लें और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर लें। और इसके साथ साथ मैंने उसमें शामिल की थी हल्दी, और हमने इसमें शामिल किया था जर्दे का रंग थोड़ा सा, या फूड कलर, रेड फूड कलर अगर आपके पास है तो थोड़ा सा उसमें वो शामिल कर दें कलर देने के लिए। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया था, 1 टेबल स्पून जीरा था, 8 से 9 अदद काली मिर्चें थी साबुत, उसको फ्राई पैन पे हल्का सा आपने भूनना है, काला नहीं करना है वरना आपका मसाला काला हो जाएगा, सिर्फ हल्का सा भूनना है कि उसमें से जब अच्छा सा अरोमा आने लगे, खुशबू आने लगे तो आपने क्या करना है उसको अपना जो मिक्सिंग है चॉपर है उसमें डाल के आपने ड्राई उसको दरदरा सा पीस लेना है, वो शामिल कर दिया हमने इसमें। 2 लीमों का रस मैंने इसमें डाला था। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है, और उसके बाद हमने क्या किया, चिकन के पीसेस को डीप फ्राई किया कलर देने के लिए। तेज़ आंच पे आपने करना है, जब कलर आ जाए आपने फौरन निकाल लेना है। फिर उसके बाद वो तमाम मसाला हमने चिकन पे लगाया, चिकन पे लगाने के बाद आप उसको रख दें 1.5 से 1 घंटा ताकि वो अच्छा मसाला उसमें जज्ब हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इस तरह का अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे, मेरे पास ये बड़ा सॉस पैन था, बड़ी पतीली थी, उसमें मैंने यहाँ तक पानी डाला था, और मेरे पास एक छन्नी थी वो मैंने रख दी थी उसके ऊपर। छन्नी के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, छन्नी के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपने चूल्हा जो है वो ऑन करना है, फ्लेम ऑन करना है, पानी जब उबलने लगेगा चिकन के पीसेस हमने उसके ऊपर रख दिए और मैंने इसको कवर कर दिया, और आपने इसको तकरीबन 15 मिनट जो है 15 से 20 मिनट आपने इसको स्टीम देनी है, तो ये अच्छी जो है वो टेंडर हो जाएगी। और अभी जब तक हमारा शो ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी चिकन जो है वो पक चुकी होगी, स्टीम हो चुकी होगी। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो पर रखी हुई है, और इस तरह हमारी मज़ेदार सी जो है वो चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो जाएगी। आप ये बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं वहाँ पे आपको ये मिलेगी, अक्सर शादियों में भी आपको मिलती है, वहाँ पे भी आप खाते होंगे, तो ये ज़रूर आपने इसको ट्राई करना। इसके साथ आप सैलड बना लें और दही का रायता रख लें, चटनी रख लें हरे धनिया पुदीने की, जिस चीज़ के साथ आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ जो लोग खाते हैं तो नान के साथ भी खा सकते हैं, और जो लोग थोड़ा सा डाइट कर रहे हैं तो वो भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने ऑयल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ कलर देने के लिए किया था। और जब आपने कलर दे के निकालना है तो आप किसी छन्नी में रख लें तो वो जो एक्सेस ऑयल है वो नीचे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको कर लें स्टीम इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ रही होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू जो है वो आप कोई भी फरमाइश कर सकते हैं। और इसके अलावा आज की रेसिपी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और जिन कॉलर्स का नंबर नहीं लगता तो वो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजाना अनवर के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, वहाँ मेरी जो
अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो स्टीम हो रही है, ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत विद मेट्रो। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बना रहे थे चिकन स्टीम रोस्ट, जो यहाँ पे स्टीम हो रही है। एक पीस रह गया था क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा हम बाद में कर लेंगे। तीन पीसेस मैंने अंदर रख दिए थे और वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूँ कि आज जो हमने चिकन स्टीम रोस्ट बनाई है उनसे अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मैं रेसिपी दोबारा से रिकैप भी कर देती हूँ। और अगर वो हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त शो नहीं देख पाते, किसी भी चीज़ में मसरूफ़ होते हैं, तो आप यही शो रात में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। लज़्ज़त विद मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा, तो आप यही शो रात में आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डे जो है वो हमारा शो रिपीट होता है दोपहर 1 बजे, तो आप दोपहर में भी देख सकते हैं। तो जिस तरह आपको आसानी हो आप देख सकते हैं। स्टीम रोस्ट की रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। उसके लिए मैंने चिकन लिया था 1.5 से 2.25 किलो तक का आपने लेना है। बहुत बड़ी चिकन मत लीजिएगा क्योंकि उसका गोश्त जो है बहुत ड्राई होता है, वो गलेगी भी देर से, ठीक है। जितनी छोटी चिकन होगी 1.5 किलो तक की, 1.25 तक की, उतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी गलती है। कॉलर हैं उनसे बात करते हैं पहले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बानो, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ बानो। आवाज बहुत शोर हो रहा है, मुझे Hello? समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। तो यहाँ पे जो हमने चिकन ली थी वो 1.5 से 2 किलो तक की लेनी है आपने, उसके 4 पीसेस करवाने हैं तिक्के के पीसेस। 2 लेग पीस उसमें से निकलेंगे, 2 चेस्ट पीस निकलेंगे, ठीक है। उस पर आपने कट्स लगवा लेने हैं। जो इसका मैरिनेशन बनेगा, मैरिनेशन के लिए एक बोल में आपने दही लेना है, 1 पाव से थोड़ा सा कम ले लीजिएगा वो लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालना है, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा, 1.5 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 2 टेबल स्पून शामिल की थी, आप अगर पिसी हुई डालना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून पिसी हुई डाल दें, 1 टेबल स पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। इसके अलावा हल्दी पाउडर मैंने शामिल किया था इसमें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा 2 लीमुओं का रस था, 2 लेमन के जो मैं हमने इसमें जूस निकाल लिया था वो शामिल किया, जर्दे का रंग मैंने इसमें शामिल किया था कलर के लिए। इसके अलावा चाट मसाला हमने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने शामिल किया था इसमें 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया था, 1 टेबल स्पून जीरा लिया था, 8-9 जो है वो काली मिर्चें आप ले लें। फ्राइंग पैन में आपने उसको हल्का सा जो है वो भूनना है कि उसमें हल्की सी खुशबू आने लगे। एक छोटी इलायची भी आप उसमें शामिल कर दें तो एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। फिर आपने उसको किसी भी मिक्सिंग में जो ड्राई मसाले पीसने का होता है उसमें आपने डाल के उसको पीसना है। बहुत पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा रखना है, थोड़ा सा कोर्सली रखना है। और उसके बाद आपने वो उसमें शामिल कर देना है, तमाम चीज़ों को डाल के अच्छा सा पहले आपने विस्क से तमाम मसालों को मिक्स करना है। और उस मिक्सचर को आपने फिर क्या करना है, जो हमने चिकन के 4 पीसेस बनवाए थे तिक्के के, उसको पहले आपने डीप फ्राई करना है कलर देने के लिए। और जब उस पर हल्का सा कलर आ जाएगा आपने उसको फौरन निकाल लेना है और उस पर वो तमाम मसाला लगा के आपने आधे से 1 घंटा लगा के आपने उसको फ्रिज में रख दें ताकि वो मसाला उसमें अच्छा सा अब्जॉर्ब हो जाए, सेट हो जाए, जज्ब हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इस तरह का आप कोई भी बड़े साइज़ की पतीली ले लें, उसमें आपने क्या करना है, पानी शामिल करना है। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, पानी आपने नीचे तक रखना है यहाँ तक, और उसके ऊपर आपने उसके ऊपर आपने क्या करना है, छन्नी रखनी है कोई भी, और आपके जो उसी के साइज़ की हो। फिर आपने इस तरह ढकने से कवर कर देना है और उसको हल्की आंच पे रखना है कि पानी जब उसमें बॉयल होने लगे, स्टीम बनने लगे, फिर आपने चिकन के मसाला लगे पीस उसके अंदर रखने और इसको आपने कवर कर देना है। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम देना है, या आपकी चिकन पर डिपेंड करता है, अगर आपकी चिकन ज़्यादा बड़ी है तो तकरीबन 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बड़ी मुर्गी ले रहे हैं। और मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि चिकन का साइज़ छोटा लीजिएगा, क्योंकि तिक्के वगैरह और ऐसी चीज़ें जो हैं वो छोटे साइज़ की जो चिकन होती है उसमें अच्छे भी बनते हैं, उसका गोश्त जो है, मीट जो है वो भी जूसी होता है, खाने में भी मज़े का होता है, ड्राई ड्राई नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग जो हैं
वो बड़े जानवर का गोश्त पसंद करते हैं, मतलब अगर बकरे का गोश्त भी है तो बड़ा बकरा होना चाहिए, अगर गाय का गोश्त भी है तो बड़ा भैंस का गोश्त होना चाहिए, या चिकन है तो वो बड़े साइज की होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, हर शो में कहती हूँ कि आप चाहे मटन लें, चाहे बीफ लें, चाहे आप चिकन लें, वो छोटे जानवर का लें, क्योंकि उसका गोश्त एक तो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें टेस्ट भी होता है, जायका भी होता है, जूसी भी होता है। जितना बड़ा जानवर होता जाएगा वो टेस्टलेस होता जाएगा, ड्राई होता जाएगा, वो बिल्कुल उसका गोश्त में कोई जायका नहीं रहता फिर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब हम खाते हैं या शादियों में जाते हैं तो खाते हैं, तो हम अक्सर यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वैसा टेस्ट जो है वो घर में नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्या वजह है। तो उसमें एक वजह मसाले तो होते ही होते हैं, एक वजह गोश्त का जो है वो अच्छा होना भी ज़रूरी है। जब आपका गोश्त मीट जो है वो छोटे साइज़ का होगा, छोटा जानवर होगा, तो आप उसमें एक जूसी भी रहेगा, वो टेंडर भी जल्दी हो जाएगा, जायकेदार भी होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा कि 14 अगस्त 14 अगस्त के हवाले से हम पूरे शहर को सजाते हैं, हम पूरे शहर में झंडियां लगाते हैं, हम जो है वो बड़े बड़े झंडे लगा रहे होते हैं, बलून्स होते हैं, लाइटें होती हैं, और इसके अलावा जो वो लड़ियां होती हैं फ्लैक्स की वो होती हैं, अपार्टमेंट सजे हुए होते हैं, रोड्स पे इधर उधर सब जगह सब ठीक है, खुशी भी मनाएं, सब कुछ करें। लेकिन बाद में जो मैं चीज़ देखती हूँ कि वही जो लड़ियाँ हैं वो आपको कचरे के ढेर में नज़र आ रही होती हैं, वही चीज़ें आपको कचरे में पड़ी हुई नज़र आ रही होती हैं, तो ये चीज़ इतनी बुरी लगती है कि एक तरफ तो हम लोग बड़े जोश व खरोश से जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं, और फिर उस चीज़ का एहतराम जो है वो भूल जाते हैं, उस चीज़ की जो एक रिस्पेक्ट है वो भूल जाते हैं कि हमारे जो फ्लैक्स के जो लड़ियाँ होती हैं या जो भी चीज़ होती हैं वो हमें जगह जगह उसके बाद वो पड़ी हुई नज़र आ रही होती हैं, घरों से जब वो गैलरी में या इधर उधर खिड़कियों में वो लगी हुई होती हैं, और जब वो अम्माएं उतार देती हैं तो वो कहीं पड़ी हुई होती है, क्योंकि मैं बहुत देख चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि अगर आप खुशी से 14 अगस्त मना रहे हैं, जश्न आज़ादी मना रहे हैं, बिल्कुल मनाएं, और ये हक है हमारा कि हम जश्न आज़ादी मनाएं, हमारा प्यारा मुल्क है, लेकिन साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट भी करना सीखें कि जिस खुशी से, जिस जोश व खरोश से हम घरों को सजाते हैं, उसी तरह हम उनको तय करके रख दें, ताकि वो नेक्स्ट ईयर जो है वो काम आए, नेक्स्ट ईयर उसी तरह वो निकलें। ये वो बिल्कुल नहीं करना कि इधर से निकाला और उधर से निकाला और बस उसको यूं मरोड़ा और फेंक दिया, डस्टबिन में डाल दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो चिकन हमारी जो है वो हम थोड़ा सा, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, ये देखें, इसको हम नाइफ से थोड़ा सा चेक करेंगे, और ये बड़ी ज़बरदस्त सी जो, ये देखें, ये गल चुकी है हमारी चिकन, ये देखें, ये बोटी जो है ये अलग हो रही है, ठीक है। प्लेटर में अपना ले आती हूँ, उसमें मैं निकालती हूँ, फिर हम अपनी टेबल पे बैठ के जो है वो इसको रेसिपी को, टाइम हुआ तो दोबारा ज़रूर मैं इसे रिकैप भी कर दूंगी, और मेरी कोशिश यही होती है बार बार के रेसिपी रिकैप करने का मकसद यही होता है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे इतने प्यारे प्यारे जो व्यूअर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे जो कॉलर्स हैं, उनसे कोई भी चीज़ मिस हो, या कोई भी ऐसा कॉलर या कोई भी ऐसा व्यूअर जो है वो मेरी रेसिपी ना देख सके या उससे कोई चीज़ मिस हो जाए। मैं चाहती हूँ जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे कॉलर्स हैं, जितने मेरे फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, वो सब जो है वो मेरी रेसिपी को ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें और फिर अपना फीडबैक मुझे दें, ठीक है। यहाँ मैं चूल्हा जो है वो बंद करती हूँ और हम इसको निकालते हैं, हमारी जो ज़बरदस्त सी यहाँ पे चिकन स्टीम रोस्ट है वो तैयार हो चुकी है। इसको यूं रखेंगे, ठीक है, ये हमारी जबरदस्त सी जो है वो चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो चुकी है। इसको लेके चलते हैं अपनी टेबल की तरफ,
ये देखें जनाब, ज़बरदस्त सी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी चिकन स्टीम रोस्ट, वो तैयार हो चुकी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जब आपकी कॉल्स आती हैं ना और आप लोग कहते हैं कि हमने आपकी फ़लाँ चीज़ ट्राई की, बहुत अच्छी बनी, तो यकीन जाने कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, फिर अपना फीडबैक देते हैं। इसके साथ आप दही का रायता बनाएं, और जो डाइट कर रहे हैं लोग या हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ज़रूर इसको बना के खाइएगा, रायते के साथ खाइएगा। सैलेड बहुत खूब भर के बोल जो है वो आपने बनाना है सैलेड का, और उसमें जो है वो उसके साथ आप खा सकते हैं। और इसी के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, आप सैंडविचेस बना सकते हैं स्टीम रोस्ट की, जो मीट है बोटियाँ उसको आपने काटा, उसके सैंडविचेस बड़े मज़े के बनेंगे। और पहले तो आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, फिर आप वेरिएशंस बहुत सारी इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी, और बार बार मैंने रेसिपी रीकैप भी कर दी। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजाना अनवर के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, वहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं खाने की जो आपको देखने को मिलेंगी। यूट्यूब का मेरा चैनल है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शेयर कीजिए, और वहाँ पे भी आपको मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और कोई फरमाइश करना चाहते हैं बिल्कुल आप मुझे मेरे पेज पर कर सकते हैं फरमाइश, आप मज़ीद और क्या सीखना चाहते हैं, और कोई भी रेसिपी से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो उससे रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पिछले हफ्ते के जो कॉलर थे जिन्होंने मुझसे फरमाइशें की थी, इस हफ्ते उनकी तमाम फरमाइशें जो हैं वो पूरी होने जा रही हैं। तो शो आपने मिस नहीं करना है, देखते रहना है लज्जत विद मेट्रो, मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर 6 बजे से 7 बजे तक शाम में। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।